हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज मैं आपके साथ मक्का के आटे की पूड़ियाँ शेयर करने वाली हूँ। ये पूड़ियाँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और इन्हें बनाना भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए मक्के का आटा, ये करीब 250 ग्राम आटा होगा। 2 मीडियम साइज के से थोड़े बड़े आलू हैं, ये वज़न में करीब 150-200 ग्राम है। बारीक कटी हुई मेथी, मेथी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बारीक कटा हुआ धनिया, ये करीब 2-2 चम्मच मैंने धनिया और मेथी लिया है। अदरक हरी मिर्च, ये 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। नमक मिर्च और सेकने के लिए हमें चाहिएगा रिफाइंड ऑयल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आलूओं को घस लेते हैं। ये मैंने आलू कस लिए हैं। अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई मेथी, मेथी आप जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काटें। काटने से पहले मेथी को अच्छी तरह धो लें और थोड़ा सा सुखा लें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक हरी मिर्च, ये कचौड़ियाँ हम स्टफ करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लेकिन जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ इसमें कचौड़ियाँ फटती नहीं है। अच्छी तरह सबको मिला लें। ये हमारा आलू में हमने अच्छी तरह मसाले मिला लिए हैं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच मिर्च डाली है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं आप और डाल सकते हैं, अगर आप कम तीखा खाते हैं आप कम डाल सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे डालते हुए ये मक्के का आटा भी मिला लेंगे। इसको आप जितना अच्छा मिला सकें उतना अच्छा है, इसको मसल मसल कर ही मिलाएं। आप इसका जितने अच्छे से आटा मसल लेंगे, क्योंकि इस आटे को हमें रेस्ट होने के लिए नहीं रखना है, इसलिए हमें यहीं अच्छी तरह मसलना होगा। देखिए इसमें मुझे पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि थोड़ा सा धनिया में मॉइस्चर था, थोड़ा सा मेथी में था और बाकी आलू में। ये आप खाली मेथी के साथ भी बना सकते हैं, उसमें आपको इसमें पानी लगाना होगा। अब ये बिल्कुल चिकना हो गया है। अब हम इसके लोहे तोड़ लेंगे। ये कचौड़ियाँ नॉर्मल कचौड़ियों से थोड़ी मोटी होती हैं, अगर आप इन्हें ज़्यादा पतला करेंगे तो ये फट जाएंगी। इस तरीके से हमने एक नींबू की साइज से कुछ बड़े लोहे बना लिए हैं। मैं बाकी के भी बना लेती हूँ। अगर आटा हाथ में चिपके तो आप इसमें हाथों पे रिफाइंड ऑयल लगाइए और फिर इसके लोहे बना लीजिए। ये सभी लोहियाँ मैंने बना ली हैं। इतने आटे में करीब 12 कचौड़ियाँ हमारी बन जाएंगी। रिफाइंड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, रिफाइंड गर्म हो रहा है। अब इस तरीके से आप 2 चकोर पिन्नियाँ ले लीजिए, गोल ले लीजिए। एक लोई उस पर रख कर हल्के हाथ से प्रेस करें और बेलन से आप इसे बेल लें। इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। ये सिर्फ इतनी बड़ी, जितनी हम नॉर्मल पूड़ी बेलते हैं उससे ये कुछ छोटे साइज में है, सिर्फ इतनी। अगर और इसे हमें थोड़ा मोटा भी रखना है, बहुत मोटा भी नहीं, लेकिन नॉर्मल पूड़ी से, कचौड़ी और पूड़ी से थोड़ा सा मोटा। और अगर आपके पास पूड़ी बेलने की मशीन है तो आप इसे उससे भी बेल सकते हैं। आप इस तरीके से इस पर पिन्नी रखिए, इससे ये बहुत आसानी से बिल जाती हैं। और बस ये तैयार हो गई है। देखिए मैं बाकी की भी बेल लेती हूँ। रिफाइंड गर्म हो गया है, एक बार हम रिफाइंड को चेक कर लेते हैं। इसके लिए इस पर एक छोटी सी लोई डालें। ये फूल के तुरंत ऊपर आ गई है, इसका मतलब रिफाइंड गर्म है। हमें इसे बहुत तेज आंच पर नहीं सेकना है। और अब आप
धीरे धीरे से उठाकर एक एक कचौड़ी इसमें डालिए। एक बारी में आप बहुत ज्यादा ना डालें। इन्हें फूलने के लिए स्पेस की जरूरत होगी। करीब 3-4 मिनट लग गए हैं, कचौड़ियां तो सीख चुकी हैं। अब हम इन्हें एक नैपकिन पे निकाल लेंगे। अब ये कचौड़ियां सीख कर तैयार हैं, इन्हें हमें सर्व करना है। आप इन कचौड़ियों को आलू की सब्जी के साथ, हरे धनिया की चटनी के साथ या चाय के साथ, जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप ये मक्का के आटे की टेस्टी पूड़ी या आप इन्हें कचौड़ी भी कह सकते हैं बनकर तैयार है। मैंने इसमें थोड़ी सी मेथी भी डाली है, मेथी ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप मत डालें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।